हेलो बडीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में आई मूवी टू लिटिल को। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.6 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि मूवी का नाम ही टू लिटिल है, तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जॉन टू लिटिल के बारे में, जो जानवर से बातें कर सकते हैं। और वो इतने मशहूर हो गए थे कि इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें खुश होकर तोहफे में एक पशु विहार दिया, जिसमें वो तरह तरह के जानवरों की देखभाल कर सकते थे और पूरी लगन से जानवरों की मदद करते थे। लेकिन उनका दिल सिर्फ लिली के लिए धड़कता था, जो कि एक जाबाज खोज करता थी। दोनों साथ में बहुत खुश थे और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। फिर एक दिन लिली की एक हादसे में मौत हो गई और डूलिटिल का दिल बुरी तरह टूट गया। उन्होंने जीने की चाह ही छोड़ दी थी। फिर एक अनचाही एंट्री हुई अनजाने लड़के की, जिसके दिल में जानवरों के लिए एक बड़ा वाला सॉफ्ट कॉर्नर था। और ना चाहते हुए भी गलती से उसने गिलहरी को गोली मार दी और उसकी जान बचाने के लिए किसी तरह पोली की मदद से डूलिटिल के घर पहुंचता है। वहां का नजारा देख वो तो बस हैरा ही रह जाता है, लेकिन आगे जाने पर बेचारा एक जाल में फंस जाता है। अब हम देखते हैं डूलिटिल को, जहां हमें उनकी जानवरों के साथ एक बहुत ही प्यारी झलक देखने को मिलती है। उसे पता चलता है कि उनके यहां कोई इंसान घुस आया है और उसकी हरकतों से हमें ये तो पता चल जाता है कि वो किसी भी कीमत पर किसी इंसान से नहीं मिलना चाहता। बाहर स्टेबिंस को लेडी रोज मिलती है, जो बकिंगम पैलेस से आई थी। पोली डॉक्टर को समझाती है, जॉन तुम सबको इसलिए अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान है, शायद उन्हें मदद चाहिए। जॉन, हो चीची मरने का नाटक कर रहे हो। पोली, क्या बकवास है। चीची तुम दरवाजा खोलोगी जरा, एक तुम ही हो जिसके पास हाथ है। चीची, हाँ तो का करे, ये हाथ तुमको दे देगा ठाकुर। जॉन, चीची बेटा पगला गए हो का, इसको हाथ दे दोगे तो खिसलाओगे किससे। जो भी हो डरो मत, चलता करो। चीची, हम कोई डर का गुलाम थोड़ी ना है। डॉक्टर, हाँ हाँ तुम तो बाहुबली हो, जाओ फिर। लेकिन इन दोनों में होता कुछ और है। यहाँ स्टेबिंस और चीची में मुकाबला होता है चिल्लाने का। स्टेबिंस की हवा टाइट, चीची बेहोश, लेडी रोज एक्साइटेड। डूलिटिल अपनी वाइफ की यादों में था, लेकिन रोज के आते ही वो छुप जाता है। लेकिन बदकिस्मती बेचार की रोज उसे देख ही लेती है और बताती है कि महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्होंने आपको पैलेस में बुलाया है। जॉन कहता है, आगे बोलो। रोज कहती है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। जॉन, आप समझ रही हैं हम क्या बोल रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी रानी, किसी महारानी, किसी चौधरानी की परवाह नहीं। निकलो यहाँ से, जाओ। और उसे निकालने के बाद वो लोग खाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन रोज फिर से टपक पड़ती है। जॉन कहता है, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या, मैंने इंसानों का इलाज करना छोड़ दिया है। और तभी खिड़की से सुपरमैन की एंट्री लेता है स्टबिंस और गिलहरी के बारे में बताता है। जॉन गिलहरी को चेक करता है एंड गिलहरी वॉज लाइक, अपुन इतना चिकना है कि मरने का मन ही नहीं करता। डॉक्टर डूलिटिल एंड टीम ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। योशी कहता है, डॉक्टर बाबू आ गए। एंड फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और यही स्टबिंस ठान लेता है कि उसे डूलिटिल का शागिर्द बनना है। रोज उसे बताती है कि महारानी ने उसे ये जगह जानवरों की देखरेख के लिए दी थी और अगर उनकी मृत्यु हुई तो इस पर शाही घराने का हक होगा और ये डूलिटिल के हाथों से छिन जाएगी। केविन गिलहरी को अब होश आ चुका था और उसने स्टेबिन से बदला लेने की सोच ली थी। पोली पैरेट आकर डूलिटिल को रोज की बात बताती है, लेकिन डूलिटिल भी पक्के इरादों वाला था, किसी भी कीमत पर इंसानों के पास वापस नहीं जाना चाहता था और कहता है कि मेरे मरने तक ये जगह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पोली उसकी गलतफहमी दूर करते हुए उसे बताती है कि जब तक तुम नहीं महारानी जिंदा है तब तक वो दस्तावेज वैलिड है। और ये सुनते ही डूलिटिल की मुंह की चाय डबडब का शावर बन जाती है। डबडब चाय द शावर मेरी फीट से फिसल कर थल्ले चला गया। देखा डूलिटिल, मुझे लग ही रहा था बंदरों से दस्तावेज पढ़वाना ठीक नहीं, आज से इनका खाना पीना बंद। डूलिटिल के नहीं मानने पर एट लास्ट पोली उसे धमकी देती है कि अगर तुम महारानी के पास नहीं गए तो हम सब तुम्हें छोड़कर चिड़ियाघर में चले जाएंगे। और ना चाहते हुए भी डूलिटिल को मानना पड़ता है। स्टबिंस भी चुपके से रोज की गाड़ी में बैठ जाता है और बेचारे सारे जानवर मिलकर डॉक्टर को थोड़ा इंसान बनाते हैं। डूलिटिल लिली को याद करते हुए प्लिम्पटन ऑस्ट्रिच को अपनी सवारी बनाकर अपनी बटालियन को लेकर वहां से निकल पड़ता है और धमाकेदार एंट्री लेता है पैलेस में। महारानी के रूम में पहुंचने पर उसे अपना पुराना क्लासमेट डॉक्टर ब्लेयर मडफ्लाई मिलता है, जो अब तक महारानी का इलाज कर रहा था। यहाँ में इतना तो पता चल जाता है कि फ्लेयर डूलिटिल को जरा भी पसंद नहीं करता। डूलिटिल जिप की हेल्प से महारानी को चेक करता है। जिप उसे बताता है कि शायद महारानी को जहर दिया गया है। इसके बाद डूलिटिल रूम में रखे एक्वेरियम के ऑक्टोपस से पूछने पर उसे पता चलता है कि महारानी के चाय पीने के बाद ही उनकी ऐसी हालत है।
डूलिटल सबको बताता है कि महारानी की जान अब सिर्फ एडेंट्री का फल ही बचा सकता है। स्टेबिन्स भी उनके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन डूलिटल उसे अपने साथ नहीं ले जाता। स्टेबिन्स अपने घर पहुंचकर बहुत ही उदास था। उसका अंकल उसके लिए परेशान होता है क्योंकि वो लोग शिकारी थे, लेकिन स्टेबिन्स हमेशा जानवरों को बचाने की सोचता था। तभी पोली आकर उसे वहां से ले जाती है और किसी तरह दौड़ते भागते कूदते उसे जहाज पर पहुंचा ही देती है। और अब डूलिटल पोली से खफा, और डूलिटल कहता है, मेरी जान जरा कोने में तो आना, और उसे डांटता है। लेकिन जहाज की कैप्टन होने के बाद भी बेचारी की एक नहीं चलती, और ना चाहते हुए भी उसे स्टेबिन्स को अपने साथ रखना पड़ता है। वहीं पैलेस में लॉर्ड बेस्ली डॉक्टर मडफ्लाई को डूलिटल पर नजर रखने के लिए कहता है, और ये भी कि डूलिटल जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। और यहाँ जहाज का काम करते हुए स्टेबिन्स धीरे धीरे जानवरों की भाषा समझने की कोशिश करता है। अगली सुबह होती है और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मडफ्लाई ने उन पर हमला कर दिया है। डूलिटल किसी तरह वेल की मदद से वहां से बच निकलने में कामयाब होता है, और रात को डूलिटल स्टेबिन्स से बातें करने लगता है। वहीं स्टेबिन्स को पता चलता है कि एडेंट्री ढूंढने के लिए उन्हें पहले मोंटोवर आइलैंड जाकर लिली की बुक को चुराना होगा, क्योंकि वहीं एडेंट्री की खोज करता थी। उनकी बुक में ही एडेंट्री तक पहुंचने का पता था। अगली सुबह होते ही वो लोग पहुँचते हैं मोंटोवर आइलैंड, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इस पर डाकू और लुटेरों का राज था। ये कभी डूलिटल, लिली और पोली इसे अपना घर मानते थे, तब तक जब तक डूलिटल ने वहाँ के बादशाह रसूली को अपना दुश्मन नहीं बनाया था। वो किताब अब उसी के कब्जे में थी, और इसलिए डूलिटल को वहाँ अपना बेस बदल कर जाना पड़ता है। डूलिटल किसी तरह जुगाड़ लगाकर किताब को लेने ही वाला था कि रसूली उसे पकड़ लेता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि डूलिटल की वाइफ यानी लिली रसूली की बेटी थी, और उसकी मर्जी के खिलाफ ये दोनों भाग गए थे। चूंकि लिली की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसकी मौत के बाद उसकी बुक ही उसकी आखिरी निशानी थी, और वो उसे किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देना चाहते थे। रसूली स्टेबिन्स को जेल से निकाल लेता है और अपने साथ अपने लोगों में शामिल कर लेता है, और डूलिटल को मारने के लिए उसके पास शेर को छोड़ देता है। स्टेबिन्स जेम्स को अपना संदेश लेकर जहाज पर भेजता है। डूलिटल की टीम किसी तरह उसे बचा भी लेती है, और स्टेबिन्स भी बुक चुरा लेता है। लेकिन बदकिस्मती ने अभी पीछा कहाँ छोड़ा था, बटरफ्लाई भी वहाँ पहुँच चुका था और बुक छीन कर ले जाता है। लेकिन इतना काफी नहीं था ना कि वो जाते जाते उनका जहाज भी तोड़ जाता है। वहीं पैलेस में महारानी की हालत बहुत ही नाजुक थी। दूसरी तरफ डूलिटल और उसकी टीम बहुत ही निराश थी, और लिली को याद करते हुए वह उसकी बातें अपनी टीम को बता रहा था, और रसूली भी ये सब छुपकर सुन रहा था। अपनी बेटी के लिए वह उसे छोड़ देता है और उसे एक जहाज भी देता है। डूलिटल वेल्स की मदद से मडफ्लाई का पीछा करता है, क्योंकि लिली की किताब उसी के पास थी जिसमें एडेंट्री का पता था। और फाइनली वो लोग पहुंचते हैं एडेंट्री के आइलैंड, और किसी तरह मडफ्लाई के सैनिकों से छुप छुपा कर गुफा में पहुंच जाता है। डूलिटल बताता है कि एडेंट्री जरूर यहीं कहीं होना चाहिए। तभी मडफ्लाई उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि बेचारे के पास एडेंट्री का पता होने के बावजूद भी उसे एडेंट्री नहीं मिल पा रहा था। डूलिटल से उसके बारे में पूछने लगता है, और उन लोगों की बहस और झगड़े के बीच एडेंट्री का रक्षक डायनासोर जाग जाता है और सबको मारने लगता है। मडफ्लाई भी उसकी चपेट में आने ही वाला था कि डूलिटल उसे बचा लेता है, और तभी से वो एक अच्छा इंसान बनने की सोच लेता है। लेकिन लगता है उसकी किस्मत कोई मंजूर नहीं था, और वो लावे में गिरकर मर जाता है। अब सिर्फ डूलिटल और उसकी पलटन ही बचे थी। बेचारी डब डब का तो डर के मारे अंडा ही निकल आता है, और उन सब पर भी अब डायनासोर की नजर पड़ चुकी थी, और उन पर हमला कर देती है और डूलिटल को भी पकड़ लेती है। डूलिटल उससे इमोशनल बातें करने लगता है, लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। डूलिटल को पता चलता है कि उसके पेट में दर्द है, और वो उसका इलाज करता है, जिससे कि खुश होकर वह उन्हें एडेंट्री के पास ले जाती है। और अब वो लोग एडेंट्री का फल लेकर महारानी के लास्ट टाइम पर पहुंच ही जाते हैं, और आखिरकार महारानी की जान बचा ही लेते हैं। डूलिटल बताता है कि उसने अपना जासूस स्टिक्स यहीं पर छोड़ा था, और वो बता देता है कि लॉर्ड बेस्ली ने महारानी को जहर दिया था, और उनकी पॉकेट में जहर की शीशी भी है, और सिपाहियों के देखने पर वो मिल भी जाती है। लॉर्ड बेस्ली को यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। महारानी डूलिटल और उसकी पूरी टीम का थैंक यू करती है। डूलिटल भी अब अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है, और स्टेबिन्स भी उसके साथ काम करता था। और इस तरह होती है हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बाय बाय।